सिरमौर के नाहन में जोगन वाली गांव में देर रात बिजली की वोल्टेज बढ़ने से ग्रामीणों के विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि बिजली की वोल्टेज प्रभावित होने के बावजूद भी विद्युत विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की और इसकी वजह से उन्होंने हजारों लाखों का नुकसान उठाया है। लोगों ने इस मामले में विद्युत विभाग के SDO को एक शिकायत पत्र भी सौंपा है और इस मामले में लोगों को नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। रात 9 बजे हाई पावर की वजह से हमारे घरों में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान था, LCD, फ्रिज, पंखे, बल्ब सब फूट चुके हैं और बिजली विभाग वालों की लापरवाही इतनी है। 9 बजे रात को हम लोगों ने कंप्लेंट की, न्यूज़ में भी आया, बट किसी ने भी हमारी लाइट नहीं काटी। उसके बावजूद 8:30 बजे सुबह लाइट काटी गई। कंप्लेंट के बाद अगर जान का नुकसान होता किसी का तो उसका जिम्मेदार कौन होता? हम गाँव जोगन वाली से आए हैं सर। तो सर रात कल 9 बजे ना तेज़ लाइट आई और हमारे बल्कि TV, फ्रिज, स्विच वगैरह सारे जल गए, बल्ब जल गए हैं। और उसके बाद ही मतलब कि कंप्लेंट तो की थी हमने, लाइट किसी ने बंद नहीं की और अब सुबह के टाइम बंद की। बच्चे भी बच गए हमारे, कभी क्रम स्विच सीधा स्विच पे हाथ डाला, कुछ हो जाए बच्चों को वैसे है, इसलिए आए हम यहाँ पे। हमारे कूलर फूक गए, TV फूक गया, LEDियाँ फूक गई, फ्रिज फूक गए, अब बल्ब फूक गए, पंखे जल गए, सारा कुछ हो गया। और फिर हम यूं आए कि भाई हमारा कुछ थोड़ा बहुत नुकसान दो, अरे भी आगे ना वैसा होना चाहिए, बच्चे भी है, मेरा खुद भी मेरा करंट लगा पंखे से, फिर बहुत नुकसान होया।